जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। तो आ गई है इस साल की एक विचित्र सी मूवी गणपत, एंड वंस अगेन टाइगर श्रॉफ डिड नॉट डिसअपॉइंट टू डिसअपॉइंट अस। आई मीन इसका ट्रेलर देखकर लगा था कि ये मूवी डिसअपॉइंट करेगी, लेकिन मूवी देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये तो टट्टी है। तो अगर गणपत की स्टोरी की बात करूं तो YouTube पे आप जाना, उस पर टाइप करना गणपत टीजर एंड ट्रेलर, और जो भी उसमें सीन्स एंड स्टोरी देख के आपको समझ में आएगी वही इस पूरे फिल्म में चलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऊपर से टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग, आई मीन बुरा लगता है देख के कि इतना अच्छा पोटेंशियल है उनके पास, बट सिर्फ इस तरह की मूवीज में यूज करने के लिए। इस मूवी में आपको क्रिंज फील होगा, बोरियत फील होगी, गाने भी सुन के कुछ खास मजा नहीं आएगा, एंड VFX वो देख के तो आदि पुरुष के लिए दिल से सलामी निकल जाएगी। आई मीन इसके डायरेक्टर विकास बहल आखिर इस मूवी से क्या साबित करना चाहते थे समझ में ही नहीं आया। एंड डायस्टोपियन, अगर ये डायस्टोपियन है ना तो फिर आदि पुरुष भी बेस्ट VFX का अवार्ड डेफिनेटली डिजर्व करती थी। एंड जैसा मैंने अपने गणपत के टीजर एंड ट्रेलर रिव्यू में कहा था, इट जस्ट फील लाइक अ हीरोपंती 3 मूवी विद बैड VFX। ये बस वही है।